कोल्लरा ब्लॉक कर्लाखणा सरकारी विद्यालय एटी श्रेणीगृह अभाव बारंडार पढ़ुंट छात्र छात्री ए अंचल हालुआ उच्च विद्यालय तद्रूप स्थित सात वर्ष तले यार निर्माण में खर्च होता 60 लाख टंका हेले देखंतु अवस्था सरकार का माल दरिया में डाल नीति रे होई निर्माण आजबेस्टस उड़ीगला श्रेणीगृह से उइहुंका आ पूरा स्कूल को आबुरीवा को बसला जंगल निम्नमानर काम अभियोग सांग को यह आज जाए कर्तृपक्ष को हस्तांतर कर फलरे एते टंका खर्च होइथिले मध्ये एठारे पाठपढ़ा आरंभ हो पारु नाही। रायगड़ा जिलार अधिकांश स्कूल एभली स्थिति रे थिबा बेले 5T एमानक पई एबे भी अपहंच तीनटा क्लास रे गोटे 9th गोटे 10th आ गोटे थरे 6 7 8 मिसिक बसचंदी आ 1 2 5 जेम पिला बाहर बसचंदी आमे बारंबार भी सबुठे लेखि के दिया हिची किंतु किछे पर्यंत एक्शन नै नहंती। आपको लग रहा होगा ये ऊंची फीस वाला कोई प्राइवेट स्कूल होगा जहां केवल अमीरों के बच्चे पढ़ते होंगे। कुछ साल पहले तक हर कोई यही सोचता था। आपको हैरानी होगी कि ये दिल्ली सरकार का स्कूल है। जी हां, सरकारी। सोचकर विश्वास नहीं होता कि किसी सरकारी स्कूल में वर्ल्ड क्लास इंटरैक्टिव क्लासरूम्स हैं, मॉडर्न लैब्स हैं, जिम है, चमकती लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल है, हॉकी के टर्फ है। दिल्ली सरकार की इसी सोच का नतीजा है कि CBSE के 12वीं बोर्ड की परीक्षा में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का पासिंग परसेंटेज 98% रहा। ये अपने आप में रिकॉर्ड है और इसकी तो पूरे देश में चर्चा है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 53 बच्चों ने देश के प्रतिष्ठित JEE एडवांस टेस्ट और 569 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया है, वो भी बिना महंगी कोचिंग और प्राइवेट ट्यूशन के। दिल्ली सरकार ने बच्चों के सिलेबस को भी नए चैलेंजेस के लिए तैयार किया है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सिखाया जाता है, जिससे दिल्ली के बच्चे न केवल खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके बल्कि कई लोगों को नौकरी देने लायक बने। आपकी दिल्ली सरकार की सोच है कि अच्छी शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार होना चाहिए और आपकी सरकार का ये नजरिया बच्चों के चेहरे पर दिखाई भी देता है।